हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप लोग को पहले बताया था कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम जल्द हमारा जो वीडियोस हैं वो लाने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से की जाती है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में सिर्फ कुछ ही चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी लिक्विडिटी हो गई है, करेक्ट स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई है, वाटर ब्लॉक्स हो गए हैं, सप्लाई एंड डिमांड्स इंड्यूसमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं सीखना ना। लेकिन उसका सबसे पहला जो आप कह सकते हो फेज़ होता है वो यही होता है कि आपने अगर मार्किंग जो है स्ट्रक्चर की वो सही तरीके से कर ली है, तो वहीं पर ही आप ऑलमोस्ट 50 to 60% कामयाब हो जाते हो अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल बनाने में। उसके बाद बाकी की चीज़ें लिक्विडिटी और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि ये हमारा एक गोल्ड का चार्ट है। पहले हम फॉरेक्स के एक चार्ट पे देख लेंगे और उसके बाद हम क्रिप्टो के BTC के चार्ट के ऊपर भी देख लेंगे। अच्छा, ये कोई स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे नहीं कि सिर्फ एक जगह पे काम करती है। स्ट्रक्चर मैपिंग दुनिया की कोई भी मार्केट हो, सब जगह के ऊपर सेम ही तरीके से काम करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, मार्केट एक स्ट्रक्चर में मूव कर रही है। यहाँ पर मार्केट ने लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो आया, फिर हाई आया, फिर लो, तो ये हर मार्केट आपको इसी तरीके से देखने मिलेगी। तो पहले थोड़ा सा इसको डायग्राम में समझ लेते हैं, फिर इसके बाद लाइव चार्ट्स पर समझ लेंगे। अब हमारे पास, आपको पता है, स्ट्रक्चर 3 किस्म के होते हैं, बुलिश होता है, बेयरिश होता है और एक कंसोलिडेशन फेज में होता है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके डिस्कस करूँगा, जो हमारा बुलिश और हमारा बेयरिश है। ठीक हो गया, ये चीज़ें मैं ज़रा रिमूव कर दूँ। सबसे पहले हम बुलिश की एग्जांपल समझ लेते हैं। अब बुलिश मार्केट में हमारा जो है हायर हाई हायर लो, बेयरिश में लोअर लो लोअर हाई, कब जाके कंफर्म होता है कि कब मैं कह सकता हूँ कि भाई ये मेरा एक लो से ऊपर हाई की तरफ मार्केट जा रही है, अब ये मेरा हायर लो है, अब ये मेरा हायर हाई है, फिर मेरा ये हायर लो है और फिर मेरा ये हायर हाई है। मैं कैसे कहूँ कि ये मेरा कन्फर्म है अब कि हाई है, ये मैं कन्फर्म है कि हायर लो है, ये कब जाके कन्फर्म होता है। उसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं इंड्यूसमेंट की। ये एक लिक्विडिटी की ही टर्म है, बट इसको हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं। इंड्यूसमेंट इज़ लाइक अ फ्यूल। अगर जैसे फ्यूल इन द सेंस कि अगर गाड़ी में फ्यूल नहीं डालोगे या किसी भी आपके जो ट्रांसपोर्ट है उसमें आप फ्यूल नहीं डालोगे, वह मूव नहीं करेगी, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो वर्ल्ड है इसके अंदर भी यूज़ होती है कि इंड्यूसमेंट इज़ लाइक अ फ्यूल। अगर आप मार्केट फ्यूल नहीं लेगी, इट विल नॉट मूव अ बिग मूव। ठीक है, ये एक अच्छा मूव नहीं दे सकती मार्केट, चाहे वो अपसाइड पे हो चाहे वो डाउन साइड के ऊपर हो। तो अब मेरा ये कंफर्म कब होता है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसको। लेट्स से अगर मार्केट ये बुलिश ट्रेंड में जा रही है, ये मेरा एक मार्केट ने लो लगाया, ये आज ये आप लोग सब ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई गारंटी ये चीज़ इतने डिटेल में आप लोग को कोई नहीं समझा सकता। लोग नॉर्मल बताएंगे कि भाई लो लगाया, हाई चला गया, ऊपर नीचे आया, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कन्फर्म कब होता है। ठीक है, आज हम वही आपको बताएंगे कि कन्फर्म कैसे होता है। लेट्स से मार्केट ये हाई लो लगाया, ऊपर हाई आई है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे हायर लो आई है। ठीक हो गया, अब मैं ये कैसे कंफर्म होगा कि मेरा ये हायर लो कंफर्म है, वो जब मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने ये वाला जो मेरा प्रीवियस हाई था इसको मार्केट ने कर दिया यहाँ से ब्रेक, ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया इस वाले हाई को, ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो दिस वन इज़ माई न्यू हायर हाई, ये मेरा हायर हाई है और ये मेरा जो हायर लो है ये हो गया कन्फर्म। ठीक हो गया, ये मेरा हायर लो कंफर्म हो गया। अब लेट्स से मार्केट यहाँ से नीचे आई और फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये मेरा हायर हाई है, ये मेरा हायर हाई है, ये मेरा हायर हाई है। हायर हाई मल्टीपल बन सकते हैं एक लेग के अंदर, ये पूरी एक लेग है मेरी, ये पूरी यहाँ से आता है, बट हायर लो मेरा उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो जाए। अब मेरा यहाँ पर हायर हाई कैसे कंफर्म होगा वो ज़रा समझ लेते हैं, इंड्यूसमेंट की बात जो मैंने करी थी। अब मार्केट यहाँ से अपना न्यू हायर हाई लगाया, ठीक है, अब मार्केट यहाँ से क्या करेगी, ये वाला जो आपका हाई है और ये वाला जो मेरा लो है, अगर मार्केट ने ये मेरे प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया यहाँ से, इन दर से मार्केट ने मेरा प्रीवियस लो लिया, दिस वन इज़ माई न्यू हायर हाई, ये मेरा एक प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड हायर हाई कन्फर्म हो चुका है। यहाँ से इधर मैं आऊँगा, दिस वन ये मेरा हायर हाई है और मेरा हायर लो कहाँ पे था, ये सारा जो मूव है, ये जितना भी मूव है, दिस वन
ये सब मेरा सिंगल लेग है, ये किसी भी चीज़ में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये सब मार्केट जो मूव हो रही है, ना ही मेरा हायर लो है, ना ही ये मेरा हायर लो है, मेरा हायर लो इधर है, मेरा हायर हाई इस जगह के ऊपर है। समझ आई ये चीज़ को? मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ आप लोग को। लेट्स से मार्केट यहाँ से हाई गई, नया हायर लो लगाया, हायर लो मेरा कंफर्म कब होता है, जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे, और मेरा हायर हाई जब कंफर्म होगा, जब मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करके इंड्यूसमेंट ले, मार्केट इस तरीके से मूव करती है, मार्केट ने प्रीवियस हाई था, इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने क्योंकि प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, सही है, और मेरा इंड्यूसमेंट यहाँ पर है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस मेरा जो लो था ये था, मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक करा, ये मेरा प्रीवियस लो था, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली है, तो ये वाला मेरा हायर हाई कंफर्म हो चुका है और ये मेरा हायर लो कंफर्म हो चुका है। अब मार्केट किस तरीके से मूव करेगी, अब मेरा ये हायर लो, मेरा ये हायर हाई, अब जाहिर सी बात है, अब हम एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है, तो मार्केट जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ जाएगी। अब यहाँ से हम मार्केट की अगेन मूवमेंट देख लेते हैं, मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट मेरा ले लिया, मुझे कंफर्म है कि यार हाँ मार्केट इंड्यूसमेंट ले चुकी है, अब मैं ऊपर की तरफ मार्केट को देख सकता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने अगेन इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, क्या हो गया ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो मेरा ये वाला जो लो था अब ये हायर लो कन्फर्म हो चुका है मेरा। अब मेरा हायर हाई कब कन्फर्म होगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले, अभी तक इस वाले का तो कन्फर्म है बट ये तो अभी कन्फर्म नहीं है, हाँ मेरा ये प्रोटेक्टेड है, ये मेरा हायर लो, ये मुझे कन्फर्म हो चुका है ना क्योंकि मार्केट ये ब्रेक कर चुकी है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आई, अगेन ऊपर चली गई, मैं वेट, अभी तक मेरा क्योंकि मार्केट ने ये प्रीवियस मेरा लो था ये नहीं ब्रेक करा, अगर ये ब्रेक करती तो मेरा ये ऊपर वाला हायर हाई कन्फर्म होता, स्टिल नॉट कन्फर्म, और ये वाला मेरा स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कंसीडर नहीं होता क्योंकि अभी तक हम एक सिंगल लेग के अंदर है। ये आपका हायर लो, उस हायर लो ये वाला उस वक्त तक कन्फर्म नहीं होगा जब तक मार्केट का हायर हाई कन्फर्म ना हो। मार्केट के लिए ज़रूरी है कि पहले अपना हायर हाई बुलिश ट्रेंड में कन्फर्म करे, उसके बाद हायर लो कन्फर्म होगा। बेयरिश ट्रेंड में ज़रूरी है कि मार्केट अपना लोअर लो पहले कन्फर्म करे, फिर उसके बाद लोअर हाई कन्फर्म होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ से देख लेता हूँ, मार्केट अगेन यहाँ से नीचे आई, ऊपर चली गई, अगेन मार्केट ने यहाँ से आने के बाद ये वाले मेरे लो को ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया, तो ये मैं बोल सकता हूँ ये मेरा न्यू हायर हाई है, दिस वन इज़ माई न्यू हायर लो, और मार्केट ने यहाँ पर आके इंड्यूसमेंट, इस जगह पे मेरा ये रिसेंट लो ये था, रिसेंट लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो मेरा यहाँ पर हायर हाई कन्फर्म हो चुका है और मेरा जो हायर लो था वो इधर कन्फर्म है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हाई मेरा ये था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ भी तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है, इधर भी तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है, वो क्यों नहीं आपने लिया? वो इस वजह से नहीं लिया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई नहीं लगाया, मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई नहीं लगाया। देखिए ना, मार्केट हायर हाई कब लेती है, जब प्रीवियस लो का ब्रेक करके इंड्यूसमेंट कलेक्ट करे। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे नीचे, इधर मेरी कोई इंड्यूसमेंट थी यहाँ पे, यहाँ पर इधर मेरा कोई लो था कि मार्केट इसको लेती? हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे अगर लो लगाती, यूँ मार्केट लेट से मार्केट यूँ ऊपर जाती और यूँ मूव करती फिर उसके बाद ऊपर जाती, ठीक है, तो ये मैं कर सकता था इसको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और मार्केट नीचे आके मेरा इंड्यूसमेंट लेके फिर यहाँ से मूव कर दी, तो मैं उसको बोल देता कि हाँ दिस वन इज़ माई न्यू हायर हाई, बट यहाँ पे मार्केट ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, इंड्यूसमेंट नहीं कलेक्ट करा, फिर अगेन ऊपर चली गई, यहाँ पर नीचे आई, यहाँ पर अगेन इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं हुआ। अगर मार्केट ये वाला जो मूव था ना, ये ऊपर जाने के ये वाले मूव को इधर आती, यहाँ नीचे ये इंड्यूसमेंट लेती फिर यहाँ से ऊपर चली जाती, तो मैं बोलता कि हाँ ये मेरा हायर लो कन्फर्म है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज़ माई न्यू हायर हाई। मार्केट ने ऐसा नहीं किया, ठीक हो गया, तो ये हमारा एक बुलिश ट्रेंड होता है। इसी को हम बेयरिश ट्रेंड में देख लेते हैं कि मार्केट बेयरिश में किस तरह मूव करती है। मार्केट अपना हाई, मार्केट ने लो लगाया, ठीक है, अब मेरा मार्केट ने लगाई यहाँ पर लोअर हाई, सही हो गया। अब ये लोअर हाई कब कन्फर्म है मेरा? अभी कन्फर्म नहीं है, जब तक मेरा यहाँ पर लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा, और वो इंड्यूसमेंट की प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो जो ऑलरेडी मैं बुलिश ट्रेंड में आप लोग को बता चुका हूँ उस तरीके से। अब मैं यहाँ पर कैसे कंफर्म करूँगा कि मेरा जो लोअर लो है ये कंफर्म है, मेरा लोअर लो उस वक्त तक कंफर्म नहीं है जब तक ये प्रीवियस मेरा हाई मार्केट ले ना ले। मार्केट इस तरीके से मूव करेगी, ये लोअर लो के बाद यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, प्रीवियस मेरा लोअर हाई ये था, इंड्यूसमेंट कन्फर्म हो गया, मुझे पता है मेरा ये लोअर लो कन्फर्म। अब यहाँ पर मैं थोड़ा रोक के आपको समझा देता हूँ, मार्केट ने ये मेरा प्रीवियस हाई था बेरिश ट्रेंड में ना, जाहिर सी बात है बेरिश ट्रेंड में हम हाई देखते हैं और बुलिश ट्रेंड में लो देखते हैं, ये प्रीवियस हाई था, मार्केट ने यहाँ पर मेरा इंड्यूसमेंट लिया लाइक के लिक्विडिटी, इसको स्ट्रक्चर लिक्विडिटी भी हम कहते हैं, ये आपका इंड्यूसमेंट मार्केट ने यहाँ से ले लिया, तो मार्केट में मुझे कंफर्म हो गया कि भाई
ये मेरा लोअर लो कंफर्म है, सही हो गया ये। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा लोअर हाई कौन सा है, लोअर हाई मेरा कब कंफर्म होगा? मार्केट आई यहाँ से नीचे, स्ट्रेट नीचे आई, मार्केट ने ये लोअर लो को कर दिया ब्रेक, ये लोअर लो ब्रेक हो गया। अब मैं कह सकता हूँ मेरा ये लोअर हाई कंफर्म हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने जो मेरा रीसेंट लो था वो ब्रेक कर दिया है। सही है, बुलिश में हम क्या देख रहे थे कि रीसेंट हाई ब्रेक कर दिया, बेरिश में रीसेंट लो ब्रेक कर दिया, ये मेरा लोअर हाई कंफर्म है। अब मार्केट की मूवमेंट किस तरह होगी कि अब ये मेरा न्यू लो है, अब मुझे इसके बाद देखना है मार्केट किधर मूव करती है। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट नहीं ली इधर, चाहिए तो उसको था कि ऊपर जाती इंड्यूसमेंट लेती, नहीं ली, आगे नीचे आ गई, अब अगेन ऊपर गई, ये वाला रिसेंट हाई था, इसकी इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रैक कर ली। अब मैं कहूँगा कि भाई ये मेरी इंड्यूसमेंट कन्फर्म, ये मेरा लोअर लो यहाँ से कन्फर्म हो चुका है, सही हो गया, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस जो मेरा हाई था वो ले लिया, इंड्यूसमेंट कन्फर्म हो गई। अब मैं लोअर हाई कहाँ पर होगा, मार्केट आई यहाँ से नीचे, ये मेरा लोअर हाई यहाँ पर कन्फर्म, क्योंकि मार्केट ने ये वाला जो मेरा स्ट्रक्चर था ये कर दिया यहाँ पे ब्रेक, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसी तरीके से यहाँ पर मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से मार्केट हमारी मूव कर दी है ट्रेंड के अंदर। अब आप लोगों को आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी कि एक्चुअल में रिवर्सल क्या कहलाता है। हर चीज़ को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं किया जाता, ना ये ड्राइंग ले लेता हूँ वो ज़्यादा बेटर होगा, ये ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया, कंफर्म कब होता है मैंने आपको बता दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका उस वक्त तक कंफर्म नहीं होता जब तक मार्केट अपना हाई या लो वो ले ना ले, बुलिश में चाहे बेरिश में। ठीक हो गया, यहाँ पर भी आप देख लें, ये मेरा कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई लिया ही नहीं मेरा, तो मैं कैसे कंसिडर कर लूँ कि भाई ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ना मार्केट ने लोअर लो लिया। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको हम लाइव चार्ट में देख लेते हैं कि मार्केट लाइव चार्ट में किस तरीके से मूव करती है। इसकी आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी है, इसके ऊपर हम मज़ीद भी लाइव सेशंस भी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करके भी आप लोग को समझाऊंगा, और ये PDF भी आप लोग को मिल जाएगी, ताकि जिससे आप लोग को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। अब लेट्स से मार्केट में, अब मैं यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड के अंदर ये देख रहा हूँ मार्केट को, ठीक हो गया, अब मैं एक बुलिश ट्रेंड में हूँ। सबसे पहले मुझे क्या देखना है मार्केट में, लो और हाई देखना है सबसे पहले। एक ये बेरिश ट्रेंड है मेरा, ये देखें, ये एक बेरिश ट्रेंड में मैं आ रहा हूँ। अब बेरिश ट्रेंड में मुझे सबसे पहले अपना देखना है मार्केट, यहाँ लो से उठी, इधर हाई लगाया, ये हाई था, सही है, ये मेरा लो है, क्योंकि ये वाला लो कंफर्म नहीं है, क्योंकि मार्केट इससे नीचे आ चुकी है, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर मेरा दिस वन, ये इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर मेरा लो पॉइंट ये वाला है, सही है, तो मार्केट में मेरा ये लो हो गया। अब मुझे इसके बाद देखना है मार्केट की सिचुएशन क्या है, अब मेरा इंड्यूसमेंट कब जाके कंफर्म होगा, और मेरा न्यू लोअर लो लोअर हाई कब जाके कंफर्म होगा। अब मार्केट यहाँ पर मूव किस तरीके से कर रही है, मार्केट ने ऊपर हाई लो, अब मार्केट यहाँ पर ऊपर गई है, मेरा ये अभी तक लोअर हाई कंफर्म नहीं हुआ है, सही है, अभी तक लोअर हाई मेरा कंफर्म नहीं हुआ है, मार्केट आ गई नीचे, यहाँ से मार्केट ने इस तरह मूव करा, ये लोअर लो लोअर हाई, ये कंफर्म नहीं है, ये आप लोग को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मेरा लोअर लो, ये मेरा लोअर हाई। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इसकी इंड्यूसमेंट ले ली थी, तब मैं बोलता कि हाँ यार ये मेरा अभी लोअर हाई हो गया और ये लोअर लो कन्फर्म है, अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं है मार्केट के अंदर, सही है। यहाँ सर मैं आया, मार्केट अगेन लो हाई, इधर जाके मार्केट में मेरा इंड्यूसमेंट कन्फर्म हो चुकी है, मार्केट आई यहाँ से, मार्केट ने मेरी इंड्यूसमेंट ली, ये मेरी इंड्यूसमेंट ले ली मार्केट ने, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ये वाला जो लोअर लो था, ये मेरा लोअर लो कंफर्म हो गया है, ठीक है, ये मेरा लोअर लो कंफर्म है। अब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले ली, अब मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को कर दिया ब्रेक, अब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया तो अब मेरा क्या लोअर हाई भी कंफर्म हो गया, यहाँ पर मैं आया, ये मेरा लोअर हाई हो गया कंफर्म, ठीक हो गया। अब मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं, मार्केट ने किस तरह मूव करा है। अब मार्केट अगेन नीचे आई, मार्केट यहाँ से नीचे आई, नीचे आई आई आई,
मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, मार्केट ने लगाया अपना एक ये लो, हमारा कंफर्म नहीं होगा, ये वाला लो, एक सेकेंड दिस वन, या ये एक वैलिड हमारा पुल बैक है, मार्केट यहाँ पे लो आई क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस हाई ले लिया। पुल बैक वाली क्लास में आप लोग को समझाऊंगा मजीद भी डिटेल में कि आपका जो 2 से 3 कैंडल वाला पुल बैक होता है वो हम कैसे कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम आए नीचे, मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद हमारा न्यू लोअर हाई, मार्केट अगेन नीचे आई, प्रीवियस इसको ब्रेक करा और अगेन ऊपर चली गई, तो यहाँ पर मेरा इंड्यूसमेंट मार्केट ने ले लिया है ये हेयर। अब मेरा क्या, यहाँ पर लोअर लो हो गया है कंफर्म, सही है। अब लोअर लो लोअर हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट किधर से गिरती है, किस पॉइंट से गिरती है, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। सप्लाई डिमांड ऑर्डर ब्लॉक्स और इंजीनियर लिक्विडिटी, ये सब हम नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक हो गया। ये मेरा लोअर लो, अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से होती है और सही तरीके से आप लोग अपनी ट्रेड को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हो। अब ये लोअर लो मेरा कंफर्म हो गया, लोअर हाई मेरा ये है। अब मार्केट इस रेंज के अंदर घूम रही है, ये मेरी एक रेंज है, ये सिंगल लेग है, ये एक सिंगल लेग है, ये मेरी एक रेंज है। मार्केट का लोअर हाई ये है, मार्केट का लोअर लो ये है, इस रेंज के अंदर हम जा रहे हैं। मार्केट या तो उसको ब्रेक करे तो हम इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको ब्रेक करते हो तो हम बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, मार्केट बेयरिश से बुलिश जा रही है क्योंकि अभी हम एक यहाँ पर बेयरिश ट्रेंड के अंदर है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मेरा जो लोअर हाई था वो यहाँ से शिफ्ट होके इस जगह के ऊपर आ चुका है क्योंकि रिसेंट मेरा जो हाई था वो यहाँ पर है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले, ये एक मेरी सिंगल लेग यहाँ पर बन गई है। अब आगे देख लेते हैं फर्दर क्या मार्केट ने किया है। मार्केट यहाँ से नीचे आई, ऊपर चलेगी, फिर यहाँ से नीचे आई और ये प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, तो ये मेरा लो इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले ली मार्केट ने, सॉरी इंड्यूसमेंट नहीं लिए, मेरा लो लिया मार्केट ने ऐसे, ये इस तरीके से मार्केट यहाँ पर आई, ये लोअर हाई लगाया, नीचे लो लिया, फिर यहाँ पर आके मार्केट ने इंड्यूसमेंट इस जगह के ऊपर ले ली, यहाँ पर आके मार्केट ने मेरी इंड्यूसमेंट कन्फर्म कर ली, ये आपका लोअर लो कन्फर्म है। अब मार्केट का चक्कर क्या, मार्केट चाहती है यहाँ से लो ब्रेक करेगी तो मेरा हायर लो कन्फर्म होगा, उससे पहले नहीं होगा कंफर्म, ठीक है। इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने, लोअर लो तो कंफर्म है, अब मेरा लोअर हाई कंफर्म नहीं हुआ, मार्केट ने क्या करा, इसको ब्रेक नहीं किया, मेरा जो प्रीवियस लोअर हाई यहाँ पर था मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। अब मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे डिटेल से कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर, जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक क्या होता है, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग सीख रहे हैं। मार्केट ने प्रीवियस जो मेरा लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया है, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट बेयरिश से बुलिश में जाने वाली है। मार्केट ने इस, ये विक्स आपकी कंसिडर नहीं होती, कैंडल की क्लोजिंग आपकी जब तक क्लोज ना हो उस वक्त तक आप अपना लो और हाई कंसिडर नहीं कर सकते, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं कर सकते। इस वाली कैंडल के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो मार्केट ने अपना न्यू लो यहाँ लगाया, न्यू हाई यहाँ पर लगाया, सही हो गया। मार्केट ने मेरा जो लोअर हाई यहाँ पर था, अब मैं इसको मूव कर लूँगा, मार्केट ने जब इसको यहाँ पे ब्रेक करा मेरा यहाँ पे लोअर लो ये, अब मैं बुलिश ट्रेंड के अंदर देख रहा हूँ ना, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई दिस वन दिस इस तरीके से, फिर मार्केट यहाँ पर आई, पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया नहीं लिया, मार्केट यहाँ पर अगेन ऊपर चली गई है, ठीक है। एक हाई लगाया, अगेन लो, फिर अगेन हाई, फिर अगेन लो, फिर अगेन हाई, फिर अगेन लो, फिर अगेन हाई। अब मुझे आप लोग बताओ, यहाँ पर एक जगह भी मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट ली है, किसी एक जगह के ऊपर भी नहीं ली, तो ये हमारा क्या कंसीडर होगा, ये हमारी सिंगल लेग कंसीडर होगी, ये एक ही लेग के अंदर है। जब तक मार्केट, अब यहाँ पे मार्केट क्या मूव देगी, मार्केट को चाहिए कि मेरा हायर हाई जो लगा रहा है ना, ये हायर हाई आने के बाद मार्केट ऐसे ड्रॉप देगी, लो लगाया, फिर वो ड्रॉप ऊपर गया, इसका हाई लिया मार्केट ने, फिर उसके बाद अगेन नीचे आके ये इंड्यूसमेंट लेगी, तब मैं बोलूँगा कि मेरा ये आपका हाई कन्फर्म है, मेरा उसके बाद ये हायर लो कन्फर्म है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके मूव देगी। तो ये चीज़ अभी तक गोल्ड के अंदर हमारा सिनेरियो चल रहा है, मार्केट ने अभी तक हायर लो नहीं लगाया है, तो जो गोल्ड को ट्रेड करना चाह रहे हैं, जो आगे आने वाले वीक में करेंगे, तो वो वेट करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट रिट्रेस करें, फिर अगेन रैली अपसाइड के ऊपर करें।
तो ये हमारा फॉरेक्स का चार्ट हो गया। अब हम जल्दी से देख लेते हैं बीटीसी के ऊपर। बीटीसी का मैं दूसरा खोल लेता हूँ क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे जो चार्ट्स वगैरह हैं वो ड्रॉ हुए हैं। कूपन का खोल लेते हैं। ओके जी, अब यहाँ पर हम मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट यहाँ पर बेयरिश ट्रेंड के अंदर चल रही है। यहाँ से शुरू करते हैं मार्केट को। अच्छा, अब मार्केट मुझे पता है, यहाँ पीछे से मैंने देख लिया मार्केट बेयरिश ट्रेंड में। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया, ठीक हो गया। लो लगाने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गई, सही हो गया। और ऊपर जाने के बाद मार्केट अगेन नीचे आई और यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया। यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया तो मेरा क्या कंफर्म हो गया, यहाँ पर सॉरी हाई लेटर, यहाँ पर मेरा हायर लो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ये मेरा हायर लो कंफर्म। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर हायर हाई कब कंफर्म होगा, मार्केट ये वाले स्ट्रक्चर को, क्योंकि मेरा लास्ट लो तो यही था ना, ये ब्रेक नहीं होगा जब तक मेरा हायर हाई कंफर्म नहीं होगा, सॉरी लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा मेरा। यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, लोअर हाई मेरा कंफर्म। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट अगेन यहाँ से नीचे ड्रॉप लिया, ब्रश ले लेता हूँ, यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप लिया, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, मार्केट अगेन नीचे आई, फिर मार्केट ने यहाँ पर आके इंड्यूसमेंट ले लिया। तो ये मेरा IDM हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ऐसे टाइप कर रहा हूँ। IDM हो गया मार्केट ने, ये मेरा लोअर लो कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, अब मार्केट ये स्ट्रक्चर को यहाँ पर जब तक ब्रेक नहीं करेगी तो मेरा लोअर हाई कन्फर्म नहीं होगा। यहाँ पर मेरा लोअर हाई कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कन्फर्म नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर हम देख रहे थे लोअर हाई किधर कन्फर्म हुआ है, इधर। ये पूरा हम यहाँ से यहाँ तक एक रेंजिंग मार्केट में चल रहे हैं, ये मार्केट ने इधर जाके इसको ब्रेक करा है। ठीक है, इस जगह के ऊपर जाके मार्केट ने ब्रेक करा इसको, तो ये मेरा न्यू लोअर लो है और ये मेरा लेटेस्ट लोअर हाई है। अब मार्केट ये एक सिंगल लेग के अंदर जा रही है, ये एक सिंगल लेग है मार्केट के अंदर। अब या तो मार्केट इसे ब्रेक करे या तो मार्केट इसे ब्रेक करे। नीचे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, मार्केट अगेन ऊपर चली गई है, इसको ब्रेक करेगी तो अब हम बोलेंगे कि अब हमारा बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी कि ट्रू स्ट्रक्चर की मैपिंग हम किस तरीके से करते हैं। ठीक हो गया, मज़ीद भी इसकी आपको PDFs और मज़ीद लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करके आप लोगों को मज़ीद भी इसकी गाइडेंस दे दी जाएगी। इसके आप लोग बैक टेस्टिंग करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और सीखें कि स्ट्रक्चर को सही तरीके से मैप किस तरह किया जाता है। बहुत शुक्रिया।